15 दिसंबर को अलीगढ़ के एएमयू में नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हुए बवाल की नई तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में छात्रों के प्रदर्शन का हिंसक रूप नजर आ रहा है। कैंपस के गेट के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन छात्रों ने धक्के मार मार कर लोहे का बड़ा गेट भी तोड़ दिया और बाहर निकलकर पुलिस वालों पर जमकर पथराव कर दिया। इस वीडियो फुटेज को जरा गौर से देखिए। सड़कों पर जो लोग दौड़ते नजर आ रहे हैं, इन्हें देखकर आप भी यही सोचेंगे कि इतनी ठंड में इतने लोग किस वजह से इकट्ठा हुए, आखिर माजरा क्या है। तो चलिए इस तस्वीर की पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जामिया से उठे विरोध के स्वर 15 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक जा पहुंचे। वीडियो में जो कैंपस दिख रहा है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। जरा देखिए कैसे ये छात्र यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग होने के बावजूद गेट तोड़ने को आमादा है। अब जरा गेट के बाहर की तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। देखिए ये छात्र कैसे छोटे से गेट से पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हैं और मौका पाकर गेट पार कर बाहर आ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि 15 दिसंबर की रात पुलिस गेट तोड़कर अंदर घुसी और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज किया था। ये पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए हम लोग पीसफुल कैंडल मार्च इसलिए था जो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दिन किया। हमारे यूनिवर्सिटी में फोर्स घुसी, उन लोगों ने यहाँ पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति से उनके खिलाफ उनको मारा, उन पे लाठी चार्ज किया, टियर गैस छोड़ दी। तो सुना आपने, छात्रों का पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। अब इस पीसफुल प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी देख लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने ही गेट तोड़ा। तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती और इन तस्वीरों से ये साफ है कि छात्र खुद हिंसा पर उतारू थे और इल्जाम लगाया गया पुलिस पर। मामले ने तूल पकड़ा तो विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के साथ साथ पुलिस अफसरों और एएमयू के वाइस चांसलर से जवाब तलब कर लिया। आपने देखा होगा कुछ वीडियो फुटेज है, उसमें बाबे सैयद गेट को कितने बुरी तरीके से जो है स्टूडेंट्स तोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जुडिशरी के अंदर भी सब जुडिस हैं, अभी हाई कोर्ट के अंदर भी हम लोग अपना काउंटर एफिडेविट लगा रहे हैं जो अभी क्रिमिनल रिट पटिशन हुई है, और उन सब में हम लोग अपने सबूत भी देंगे। और मैं छात्रों से भी अपील करता हूँ कि यदि उनके पास भी कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं तो वो एकदम कलेक्ट करके और हमारे तक ले करके आए, सो दैट एकदम जो और याद जुडिशरी को दें ताकि दोनों पक्षों को सुन करके जो सही फैसला हो वो आ पाए। अलीगढ़ के बाद देश की कई यूनिवर्सिटीज में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों के जरिए कानून के विरोध में हिंसा को अंजाम दिया गया और छात्रों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई तो कुछ और ही कहानी बयां करती है। पुलिस को कटघरे में खड़े करने वाले छात्र आज खुद सवालों के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।